और दोस्तों वीवो लेकर के आ गया है अपना वीवो जेड वन का सक्सेसर जिसका नाम है वीवो जेड वन एक्स। इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, लार्ज डिस्प्ले के साथ आएगा, प्रोसेसर भी काफी ज्यादा कमाल का है। सारी चीजें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, जानना चाहेंगे वीवो जेड वन एक्स के बारे में, तो मेरे साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल में। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, सारे ही स्मार्टफोन है जो कि काफी ज्यादा कमाल के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहे हैं। ये भी स्मार्टफोन काफी ज्यादा कमाल की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो इसका कलर दिया गया है जिसे आप कह सकते हैं डांसिंग कलर दिया गया है। साइड में तीन कैमरे दिए गए हैं, प्लास्टिक की बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। बात करूं मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो 6.38 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। वैसे क्लियर सी बात है, एमोलेड डिस्प्ले होती है तो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो होता ही है। और दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे इसके रैम और रोम के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB, 6GB 128GB, दो वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब दो सिम डाल पाएंगे या एक सिम एक चिप डाल पाएंगे। तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप इस फोन के साइड जाना चाहते हैं तो इसका 128GB वाला वेरिएंट ही लें, जिससे कि आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर से बजा डालें ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। चलिए दोस्तों डालेंगे हम लोग यहाँ पे एक नजर इसके प्रोसेसर के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और ये चिपसेट 10 नैनोमीटर का चिपसेट है, जो कि इसका हमने अंतु स्कोर चेक किया है वो 1,84,000 आता है, काफी ज्यादा अच्छा है, पबजी भी खेल पाएंगे। वैसे मैं आपको एक चीज कमाल की और बता दूं, इस स्मार्टफोन के बॉक्स पर पबजी का सिंबल भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं, टाइम की कमी रहती है, उसको देखते ही हुई इसमें बैटरी भी बड़ी डाली गई है, क्योंकि लोग जल्दी से फोन चार्ज करना चाहते हैं और फोन काफी देर तक चलाते हैं, उसी को देखते हुए उन्होंने इसमें 4500 mAh की बैटरी डाली है। फास्ट चार्जिंग भी आएगी साथ ही साथ इसमें, और टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। मैं आपको बता दूं इसमें 22.5 वाट का फास्ट चार्जर भी इसमें बॉक्स के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसमें आपको ईयरफोन भी देखने को मिलेंगे बॉक्स के साथ ही, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा कमाल का पैकेज रहने वाला है। दोस्तों बात हो गई यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, रैम की, प्रोसेसर की, बैटरी की, मेन चीज तो आपने बताई नहीं जिसका आप वेट कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कैमरे को लेकर के। इसमें आपको बैक में तीन कैमरे दिए गए, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो 32 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरे के मामले में इस फोन में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, क्योंकि वीवो के जो फोन होते हैं उनमें कैमरे आते हैं काफी ज्यादा कमाल के आते हैं। वैसे मैं आपको चीज और बता दूं, 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर दिया गया है वो सोनी का सेंसर दिया गया है, तो ओवरऑल फोटो को लेकर के आपका डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि सोनी के सेंसर है काफी ज्यादा अच्छी फोटो निकाल के देते हैं आपको। और दोस्तों डालेंगे हम लोग यहाँ पे मेन जो चीज बचती है हमारी, प्राइस। जी फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 6GB 64GB वाली वेरियंट की रखी है, वो 16,990 रुपये रखी गई है, और 6GB 128GB वाली रखी गई है वो 18,990 रुपये रखी गई है। और मैं आपको बता दूं अगर आप ये फोन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी फ्लिपकार्ट पर 13 सितंबर को 12 बजे से सेल होने वाली है, आप जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो मेरा ओपिनियन है कि अभी के टाइम को देखते हुए इसकी प्राइस उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा रखी है, वैसे थोड़ी सी कम प्राइस होती, 14,000 रुपये या 15,000 रुपये का ये स्मार्टफोन होता तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होता। वैसे भी और भी बहुत सारी चीजें जो इस स्मार्टफोन को बेस्ट बनाती है। वैसे आप क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, मुझे कमेंट पे जरूर से बताइए। हाँ, कमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, आपको कसम है कमेंट मुझे जरूर से करना। जाते जाते दोस्तों मैं आपको चीज और बता दूं,
कि 64 मेगापिक्सल की भी दो ऐसे स्मार्टफोन है जो आ रहे हैं, जिसका नाम है Realme XT और Redmi Note 8 Pro। हमने दोनों पर ही वीडियो बनाई है, दोनों ही वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन नहीं खरीदना चाहते हैं, 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं, तो सारी जानकारी हमने उन दोनों वीडियो में बताई और दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में आप जो चाहेंगे वो फोन कंसीडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको Vivo Z1X की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूं और मैं आपको अपग्रेड करता रहता हूं कि आपके लिए कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है। और आपका एक काम बचता है कि बेस्ट में से भी बेस्ट को चूज करना।